go, 99% go, 99% go. Hmm. Most of them they are far away from Islam. अच्छा, 99% तक आपने बात कही. अब मैं जो बोलता हूँ पॉलिटिकल, जो 100% मैं एक को भी नहीं जानता. अच्छा, अभी कुछ लोग इस्लाम से करीब है, जिनमें 80% फॉलो करते हैं, कुछ 50% फॉलो करते हैं, कुछ बहुत दूर है. ठीक. तो मैं एक एक भी मुल्क की मिसाल सारे दुनिया में नहीं बोल दे सकता हूँ कि ये मुल्क है जो इस्लामिक मुल्क है, या ये पॉलिटिकल लीडर अल्हम्दुलिल्लाह एकदम इस्लाम के करीब है. कुछ और करीब है, कुछ दूर है, लेकिन 100% कहना दो, चाहे वो कुछ भी हो मेरे नजर में तो ठीक है. और इसका इम्कान भी मुस्तकबिल करीब में नजर नहीं आता. करीब में नहीं, लेकिन इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह वापस तो आना ही, हदीस है तो आने वाली है. कब आएंगे वो? अच्छा, लेकिन उसके लिए जो सियासी निजाम चल रहे हैं मुसलमान मुल्कों में वो नहीं होगा, बल्कि खिलाफत का निजाम होगा. खिलाफत, जो आपने बात फरमाई. अच्छा, इससे पहले कि हम खिलाफत पर आए, एक सवाल मेरे जहन में ये आ रहा है कि डॉक्टर साहब, आपने फरमाया कि इस्लाम का अपना सियासी निजाम है, क्या इस्लाम कोई मुस्तकिल सियासी निजाम देता है हमें, या वो आदमी प्रोड्यूस करता है जो वो सियासी निजाम दे? नहीं नहीं, इस्लाम के अंदर कुरान इज द कॉन्स्टिट्यूशन. कुरान इज द कॉन्स्टिट्यूशन एंड वी शुड फॉलो कुरान इन सही हदीस. जो अल्लाह के रसूल की जिंदगी में हमारे पास मिसाल है, तो हमें फॉलो करना चाहिए कुरान और सही हदीस. तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, वी डोंट हैव टू मेक अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन. हम नहीं कह सकते अब एक मुल्क कायम हुआ और अब ये कॉन्स्टिट्यूशन लिख रहा हूँ. नो, कुरान इज द कॉन्स्टिट्यूशन, कुरान इन सही हदीस. तो यानी ये एक मुस्तकिल सियासी निजाम हुआ जो कुरान करीम की शक्ल में हमारे पास मौजूद है. बिल्कुल सही. वक्त गुजरने के साथ साथ इसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी? सी, एट अ लोकल लेवल आ सकती है. अगर कुछ मॉडर्न प्रॉब्लम आ गए, अलाउड है क्या, नहीं अलाउड है, ड्रग्स अलाउड है क्या, ठीक है भाई ड्रग्स नहीं अलाउड है, तो उस तरीके से एट अ लोअर लेवल फाइन, बट जो मेजर है बेस इज सेम. ठीक. मोहतरम नाज़रीन, डॉक्टर ज़ाकिर नाइक सिर्फ हिंदुस्तान ही का नहीं, सिर्फ बर्रे सगीर ही का नहीं, आलम इस्लाम का नुमाइंदा और ताबिंदा नाम है. खातिन हजरात, डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब के साथ ये तीसरा प्रोग्राम हमने आपकी खिदमत में पेश किया, लेकिन आपको ये अंदाजा हो गया होगा कि अब भी बहुत सारी बातें, बहुत सारे निकात, बहुत सारे मौजूदात ऐसे हैं कि जो गुफ्तगू में आने बाकी हैं. हम डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब से गुजारिश करेंगे कि वो कल फिर तशरीफ लाएं, ताकि हम इस गुफ्तगू को किसी हद तक मुकम्मल कर सकें. तब तक अपने मेज़बान अनीक अहमद को इजाज़त दीजिए. खुदा हाफिज़.